हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज की टॉपिक बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है, गजब का प्यार है रे बाबा का पार्ट टू है। और इसमें मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, बल्कि एक स्टोरी के साथ एक्सप्लेन करूँगा प्यार के लिए। तो दोस्तों, आजकल का फेसबुक का जो प्यार होता है, वो आज किया और कल ख़त्म, ये है कहानी। और ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे फ्रेंड्स के साथ हमेशा होता रहता है। और होता क्या रहता, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। आज की ही अभी ताज़ी ताज़ी बात है। मेरी एक फ्रेंड है, उसका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, उसका जो बॉयफ्रेंड है वो इतना ज़्यादा शक करता है उसके ऊपर कि मैं आपको क्या बताऊँ। शक ये करता है और कहता भी है कि तुम किससे बात करती हो, कहाँ बात करती हो। अब एक बात बताओ यार, वो अपने फ्रेंड से बात नहीं कर सकती? आप लोग अपने फ्रेंड से बात नहीं करते हो? अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप गलत कर रहे हो। अगर जो गलत कर रहे हो, तभी तो आपको कोई कुछ गलत बोलेगा ना। लेकिन उसको आज मैं समझाते समझाते दोस्तों इतना थक गया, मैंने कहा भाई, अगर जो तुम प्यार करते हो तो पहली बात तो प्यार पे शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्यार में शक होता है वहाँ प्यार ख़त्म हो जाता है। प्यार की एक नाजुक डोरी होती है और इसमें अगर बिलीव ख़त्म तो यहाँ पर प्यार ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों मैं आपको समझा पा रहा हूँगा। और मैं यही कहूँगा अपने जो भी भाई हैं और लड़कियों को भी यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग यार, प्यार अगर अपने पार्टनर से करते हो तो उस पर शक कभी मत करो, क्योंकि यार प्यार इतना अनमोल चीज़ है ना। और आप शक करके उसे इतनी आसानी से खो देते हो, आपको तो लगता है प्यार एक नॉर्मल चीज़ है, पर ये भगवान का दिया हुआ, ऊपर वाले का दिया हुआ ये एक ऐसा तोहफा है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। और हमें उस लड़के ने आज ये भी बात बोली कि भाई, आपने प्यार कभी किया नहीं है इसलिए आपको कुछ पता नहीं है। तो अब उसे कौन समझाए यार, हम इन सब चक्करों में नहीं पड़ते यार, हमको प्यार वगैरह करना ही नहीं है। और पहली बात, प्यार किया नहीं जाता, प्यार तो हो जाता है, जानते हो ना आप लोग। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा था दोस्तों आप लोगों को, एक्सप्लेन यही करना चाह रहा था कि भाई प्यार करो, बट अपने प्यार पे ट्रस्ट भी करो, क्योंकि जहाँ ट्रस्ट ख़त्म वहाँ प्यार ख़त्म। और ये लड़की जो होती है, लड़की पे जैसे प्यार लड़का कोई भी कर लेता है तो वो ये समझने लगता है कि अब उसकी बाप की जागीर हो गई। तो भाइयों, ये आपकी गलत फहमी है, वो आपके बंधन में नहीं बंधी हुई है। बंधन में इंसान जब ही बनता है जब शादी हो जाती है। और शादी के बाद भी ये नहीं है कि हाँ, लड़कियाँ आपके पाँव की जूती हो गई या आपकी ग़ुलाम हो गई। ग़ुलाम नहीं होती है, उसका भी एक हक होता है। अगर जो अपने हक के लिए जब लड़ाई लड़ने लगेगी तो आप उससे जीत नहीं सकते हो। कहते हैं लड़कियों से जीतना इम्पॉसिबल। और लड़कियों को जो समझते हैं ना पाँव की जूती, उनका तो वो हाल हो जाता है कि ना घर के और ना घाट के। आपने वो कहावत सुनी होगी, धोबी का कुत्ता ना घर का और ना घाट का। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। फिर आपसे कल नए टॉपिक पे मुलाकात होगी। अभी के लिए चलता हूँ दोस्तों, एंजॉय कीजिएगा वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।